हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी हैप्पी विद संजुक्ता। और आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है चिली चिकन। ये एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये रेसिपी को आप घर में ज़रूर बनाइएगा और आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर खिलाइएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसा बना। ये रेसिपी को देखने के लिए मेरी वीडियो में बने रहिए और इन तक ज़रूर देखिए। थैंक यू। मैंने इंग्रेडिएंट्स में ली है रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप, सोया सॉस, विनेगर, एरारूट पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट और व्हाइट ऑयल और एक अंडा, 250 ग्राम चिकन, दो कटा हुआ प्याज, 5-6 कलियां लहसुन की कटी हुई, हरी मिर्च कटी हुई, एक मीडियम साइज टोमेटो के और आधा कटी हुई शिमला मिर्च। इसके बाद चिकन को मैं मैरिनेट कर लूँगी। मैरिनेशन के लिए चाहिए 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1 अंडा। और इसके बाद इन सभी को अच्छे से मिलाना पड़ेगा और अच्छे से मैरिनेट करना पड़ेगा। और कढ़ाई में मैं तेल दे दूंगी और इसमें मैं मिला लूंगी एरारूट पाउडर। आप कॉर्नफ्लावर पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एरारूट पाउडर लिया है 3 टेबल चम्मच। ये एरारूट पाउडर भी कॉर्नफ्लावर की तरह ही काम करता है। मैं बाइंडिंग के लिए एरारूट पाउडर मिला लूँगी अच्छे से। देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। मैरिनेट करने के बाद ये चिकन को मैं तेल में तल लूंगी पकौड़ों की तरह। देखिए तेल गरम हो चुका है कढ़ाई पे और मैं एक एक करके ये तेल में चिकन को दे दूंगी। फ्लेम को आप मीडियम ही रखना। फ्लेम को ज्यादा हाई मत कीजिएगा। देखिए मैं एक के बाद कैसे तेल के ऊपर ये चिकन के छोड़ रही हूँ और इसको गोल्डन ब्राउन करना पड़ेगा। ज़्यादा इसको तेल में नहीं तलना पड़ेगा, ज़्यादा तलने से ये स्टिफ हो जाएगा। गोल्डन ब्राउन होने पे मैं एक एक करके चिकन को एक बोल में निकाल लूँगी।
ये हो गया है। एक बोल पे मैं चिकन को आहिस्ता आहिस्ता निकाल लूंगी। थोड़ी सी चिकन रह गया था, इसको भी मैं तेल में दे दूंगी फ्राई करने के लिए। देखिए, गैस के फ्लेम को आप मीडियम ही रखना, नहीं तो ये जल सकता है। लो मीडियम रखना पड़ेगा। और ये हो गया है, मैं इसको भी आहिस्ता आहिस्ता एक बोल पे निकाल लूंगी। देखिए कैसे अच्छे से ये फ्राई हो गया है, बिल्कुल पकौड़ों की तरह। पहले मैंने कढ़ाई पे कुटा हुआ लहसुन दे दिया है। लहसुन को थोड़ी देर फ्राई करना पड़ेगा जिससे इसे कच्चापन बिल्कुल चला जाए। थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें कटा हुआ प्याज ऐड करूंगी मैं। अब लहसुन हो चुका है और ये मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। और ये पूरा वेजिटेबल को आप हाई फ्लेम में पकाना। प्याज थोड़ी सी फ्राई करना पड़ेगा। इसके बाद मैं शिमला मिर्च ऐड करूंगी, ग्रीन शिमला मिर्च। आप चाहे तो इसमें येलो और रेड शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और टोमेटो भी मैं ऐड करूंगी, और ग्रीन चिली भी मैंने ऐड कर दिया है इसके साथ। ये पूरा वेजिटेबल्स हाई फ्लेम में पकेगा और इसे थोड़ी सी फ्राई करना पड़ेगा, 1 या 2 मिनट। इसके बाद मैं थोड़ी सी नमक ऐड करूंगी ये वेजिटेबल को अच्छे से पकने के लिए। और मैं इसके बाद इसमें वो चिकन ऐड कर दूंगी जिससे ये वेजिटेबल का जूस इस चिकन में अच्छे से चले जाए। मैंने फ्लेम को थोड़ी सी मीडियम कर दिया है और मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। थोड़ी सी ही फ्राई करना पड़ेगा, नहीं तो चिकन स्टिफ हो जाएगा। इसमें मैं ऐड करूंगी रेड चिली सॉस 1 टेबल चम्मच और सोया सॉस 1 टीस्पून, सॉरी 2 टीस्पून, और 1/2 चम्मच विनेगर और टोमेटो केचप ऐड करूंगी 3 से 4 टेबल चम्मच।
और इसको फिर से स्टार करना पड़ेगा। और फ्लेम को मैंने मीडियम दे रखा है, हाई फ्लेम में आप इसको नहीं पकाएंगे नहीं तो ये सॉस जल जाएगा। मैंने फ्लेम लो कर दिया है और इसके बाद मैं एक बोल पे एक टीस्पून कॉर्नफ्लावर ले लूंगी और थोड़ी सी पानी ले लूंगी। पानी करीब एक कप के करीब मैं लिया है। इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी जिससे ये कॉर्नफ्लावर पानी में अच्छे से मिल जाए और थोड़ी थोड़ी करके मैं ये चिकन में ये मिला लूंगी। इसके बाद आप फ्लेम को हाई कर देना और इसको अच्छे से मिला लेना। देखिए इसमें उबाल आ चुकी है, थोड़ी सी इसको उबालना है जिससे कॉर्नफ्लावर का कच्चापन चला जाएगा। और ये उबाल आ चुका है अच्छे से, मैं इसको अच्छे से स्टर कर लूंगी और मैं इसमें मिलाऊंगी एक चम्मच के करीब ब्लैक पेपर पाउडर। देखिए कितना अच्छा रंग आया है और इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी। और ये हो चुका है, एक बोल पे मैं इसको डाल लूंगी। देखिए कितना अच्छे से रंग आया है और चिकन पे अच्छे से हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर इस रेसिपी को आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस। थैंक यू।